गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग वाइंस। अपनी लास्ट वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेट्स सी, पिछली वीडियो में हमने कोलिसिस्टेक्टमी के बारे में जाना था। कोलिसिस्टेक्टमी जो कि गॉल ब्लैडर का सर्जिकली कट एंड रिमूव किया जाना है, उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना था। सो ये उस वीडियो का पार्ट टू है। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर रिमूव करने के मेनली दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि इसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें हम मल्टीपल होल्स के जरिए मिनिमली इन्वेड करके गॉल ब्लैडर को कट एंड रिमूव करेंगे। दूसरा है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, यानी जिसमें हम एक लार्ज इंसीजन के जरिए गॉल ब्लैडर को कट एंड रिमूव करेंगे। इसके अलावा और भी टाइप की सर्जरीज परफॉर्म होती हैं। मिनी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, आजकल बहुत से केसेस में हम ये वेज भी अपनाने लगे हैं। कोलिसिस्टेक्टमी सिंगल पोर्ट के जरिए भी की जा सकती है, दो पोर्ट के जरिए भी की जा सकती है, या मिनी लेप्रोटमी कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें ट्रेडिशनल ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के कंपैरिजन में जो इंसीजन होता है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी को हम इन डेप्थ देखते हैं। सो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में क्या होता है, गॉल ब्लैडर को इनसाइज किया जाता है, कट किया जाता है और छोटे से होल के जरिए एब्डोमेन से बाहर निकाला जाता है, पेट को फुला करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से। ओके, तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन वीडियो एंडोस्कोपी सिस्टम होता है, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ दो हाई रिजोल्यूशन कलर मॉनिटर्स होते हैं, जिन पर देखकर जो सर्जन है सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एक हाई फ्लो कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज CO2। सो एक हाई फ्लो कार्बन डाइऑक्साइड इंसफ्लेटर होता है, लाइट सोर्स होता है, एक हाई फ्लो कार्बन डाइऑक्साइड इंसफ्लेटर होता है, मशीन होती है जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को पेशेंट के एब्डोमेन तक पहुंचाया जाता है, लाइट सोर्स होता है, इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ की जाती है, एंडोस्कोपिक सक्शन इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। लेट्स सी इसके क्या इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के सर्जरी के इम्पॉर्टेंट ये इक्विपमेंट्स हैं। सबसे पहला ये एंडोस्कोपी सिस्टम, ये मॉनिटर होता है, यहाँ पर एंडोस्कोप के जरिए सारा सिस्टम अंदर का विजिबल होता है। ये इंसफ्लेटर होता है, इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर डाली जाती है और CO2 के जरिए पेट फुलाने की इस प्रोसेस को न्यूमोपेरिटोनियम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ की जाती है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। सक्शन इरिगेशन यूज़ किया जाता है देखने के लिए कि कहीं कोई ब्लीडर तो नहीं रह गए हैं। देन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ये ट्रोकार होता है जिसकी मदद से होल किया जाता है एब्डोमेन के अंदर, ये कैनूला के साथ होता है, ये गैस वेंट होता है, ये ट्रम्पेट वॉल्व होती है, ये हब है, ये पॉइंटेड इनर ट्रोकार है, इसी की मदद से एब्डोमेन को पियर्स किया जाता है। ये जो कैनूला है इसके साइजेस अवेलेबल होते हैं 3 से लेकर 30 mm तक। जो कॉमनली यूज़ किया जाता है अडल्ट के केस में वो है 5 to 10 mm। सो न्यूमोपेरिटोनियम क्या होता है, जब हम वेरीज नीडल की मदद से, ये नीडल होती है इसकी मदद से हम पेशेंट के पेट को फुलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ताकि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों। सो ये यूज़ की जाती है ये नीडल इनसफ्लेशन के लिए और ये अवेलेबल होती है 120 mm और 150 mm साइज में। इसके थ्रू जो गैस है उसका फ्लो रेट कितना रह सकता है, 1 liter per minute। देन ये लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, मैरीलैंड डाइसेक्टर, इसकी मदद से गॉल ब्लैडर को लिवर की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उससे अलग किया जाता है। एलिगेटर फोर्सेप, इसका यूज गॉल ब्लैडर को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। क्लिप एप्लीकेटर, गॉल ब्लैडर को कट करने से पहले सिस्टिक डक्ट पे 3 क्लिप्स लगाई जाती हैं, जो फर्स्ट क्लिप है और सेकंड क्लिप है, उसके बाद की जो थर्ड क्लिप है वहाँ से गॉल ब्लैडर को कट एंड रिमूव कर दिया जाता है।
ये सारे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हैं। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के लिए कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखा जाएगा? सुपाइन पोजीशन, जिसमें जो पेशेंट का बेड है, जो ट्रॉली है, उसमें थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट दिया जाता है। कहाँ कहाँ पर इंसीजन लगाए जाते हैं? सबसे पहला जो इंसीजन लगाया जाएगा नियर अम्बिलिकस, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, गैस को इंसर्ट किया जाएगा। अनदर पोर्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, एंडोस्कोप को इंसर्ट करेंगे। देन बाकी के जो दो पोर्ट हैं उनके जरिए हम अपने मेन इंस्ट्रूमेंट के जरिए सर्जिकल मैनिपुलेशन करेंगे टिश्यूज का। कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है? जनरल एनेस्थीसिया। न्यूमोपेरिटोनियम कैसे क्रिएट किया जाता है? 45 डिग्री के एंगल पर इस नीडल को एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सेकेंड पोर्ट बनाया जाता है ट्रोकार और कैनुला की मदद से। कैमरा इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पर ज़िनॉन लाइट सोर्स अटैच किया जाता है, यहाँ से कैमरा का इनपुट रहता है। किसी रीज़न से कई बार जब ये कैमरा अंदर होता है, कॉटरी यूज़ की जाती है या कोई सब्सटेंस इस पर चिपक जाता है, इसे क्लीन करना पड़ता है बार बार। थर्ड और फोर्थ जो पोर्ट हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए? थर्ड बनाया जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यहाँ पर। एंड फोर्थ बनाया जाता है राइट सबकोस्टल मीडियल रीजन में। लैप कोली के स्टेप्स देख लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलॉट ट्रायंगल का डाइसेक्शन किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं लिवर पर। तो यहाँ पर जो कंसर्न का लैंडमार्क है वो है कैलॉट ट्रायंगल। ये कैलॉट ट्रायंगल होता क्या है, गॉल ब्लैडर की वॉल, ये गॉल ब्लैडर है, ये इसकी वॉल है राइट साइड में। इस ट्रायंगल के राइट साइड में ये गॉल ब्लैडर की वॉल है, सिस्टिक डक्ट है इसके ठीक पीछे, और इसके लेफ्ट में यानी यहाँ पर क्या है, ये जो रेड कलर की आप देख सकते हैं, ये सिस्टिक आर्टरी है। यानी जो हमें मेन डाइसेक्शन करना है सबसे पहले, वो केयरफुली इस एरिया का करना है। अगर इसके बियॉन्ड या और डेप्थ में डाइसेक्शन किया गया तो कोई भी मेजर आर्टरी या वेन डैमेज हो सकती है, जिससे पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देन लैप कोली के स्टेप्स, सबसे पहले पेरिटोनियल कवरिंग को इंसाइज किया जाता है, सिस्टिक डक्ट को अच्छे से डाइसेक्ट किया जाएगा, सिस्टिक आर्टरी को विजुअलाइज किया जाएगा, सूचर्स प्लेस किए जाएंगे सिस्टिक डक्ट पे। गॉल ब्लैडर को सेपरेट करने के बाद लिवर बेड से सिस्टिक आर्टरी को क्लिप किया जाएगा, हीमोस्टेसिस अचीव किया जाएगा कॉटरी का यूज करके। गॉल ब्लैडर को एंटेरोग्रेड या रेट्रोग्रेड तरीके से रिमूव किया जा सकता है। एंटेरोग्रेड रेट्रोग्रेड का मतलब सिर्फ इतना है, गॉल ब्लैडर को पहले फंडस की तरफ से रिमूव कर रहे हैं या उसके माउथ की तरफ से सेपरेट कर रहे हैं। फंडस यानी गॉल ब्लैडर का एकदम लास्ट वाला पार्ट, और उसकी जो टिप होती है जहाँ उसका माउथ सिस्टिक डक्ट से अटैच होता है, अगर हमने फंडस की तरफ से रिमूव किया है दैट विल बी रेट्रोग्रेड रिमूवल। अगर माउथ की तरफ से रिमूव सेपरेट करना स्टार्ट किया है गॉल ब्लैडर को, दैट विल बी एंटेरोग्रेड। सक्शन इरिगेशन किया जाएगा फाइनली, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ब्लीडर्स तो नहीं रह गए हैं। लास्टली एक्सट्रैक्शन कर लिया जाएगा गॉल ब्लैडर का, सूचर्स प्लेस कर दिए जाते हैं एंड उन्हें ड्रेसिंग से कवर कर दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की? इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, अगर क्लिप्स प्रॉपरली प्लेस नहीं की गई होंगी बाइल लीकेज हो सकता है। सराउंडिंग ऑर्गन्स, हमने कैलॉट ट्रायंगल में भी सुना था, अगर केयरफुली डाइसेक्शन नहीं किया गया तो सराउंडिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यू में डैमेज हो सकता है। डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जनरल एनेस्थीसिया से जो रिस्क हैं वो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलिसिस्टेक्टमी का नेक्स्ट टाइप देखेंगे, विच इज ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। थैंक यू ऑल।